हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जो सेमी मॉडल हैं, जिसमें हेड बेटर और हेड रेडर के बारे में। तो आज हमारा टॉपिक यह है, उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हेड बेटर और हेड रेडर का किस तरीके से प्रयोग किए जाते हैं। तो देखिए, जो आपका हेड बेटर है, यूज ऑफ हेड बेटर हेड रेडर, तो इसमें सबसे पहले मैंने हेड बेटर के बारे में कुछ एग्जांपल्स दिए हैं और फिर हेड रेडर के बारे में कुछ उदाहरण हैं। परंतु इन दोनों उदाहरणों को समझने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि हेड बेटर और हेड रेडर मीन्स होता क्या है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हेड बेटर और हेड रेड जो है, हेड रेडर जो है, इसका मतलब होता है एक तरह से एडवाइस कह सकते हैं, एडवाइस, और या तो आप इसको सजेशन कह सकते हैं, एडवाइस या इसे आप सजेशन कह सकते हैं, जिसका हिंदी में अर्थ होगा सलाह। हिंदी में इसको आप कह सकते हैं सलाह और या सुझाव, सलाह अथवा सुझाव। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, हेड बेटर एक तरह से सलाह या सुझाव ही है। जिस तरीके से हम किसी को इस तरह का सुझाव देते हैं, जैसे मान लीजिए यू शुड और रीड, अगर हम लोग कहते हैं कि आपको पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड, आपको खेलना चाहिए तो यू शुड प्ले, ऐसा हम लोग बोलते हैं, यू शुड प्ले, आपको खेलना चाहिए। तो यह एक ऐसा सुझाव है जिसको आप इन जनरल सेंस कह सकते हैं कि जनरल जनरल सुझाव है, यह एक जनरल जो है एक तरीके से सामान्य सुझाव है। लेकिन जब हम इस हेड बेटर अथवा हेड रेडर का प्रयोग करते हैं तो यह एक विशेष प्रकार का सुझाव हो जाता है, कि जैसे मतलब एक तरह से सजेशन हो जाता है, भाई आपको बता दिया गया ये करना ही चाहिए, कुछ इस तरीके से इसका लक्ष्य हो जाता है। तो आइए देखते हैं इनके बारे में कि इनका हम यूज कैसे करेंगे। तो एक बात तो ये हो गया, पहला पॉइंट आप यहाँ समझ सकते हैं कि यह किसी ना किसी एडवाइस के रूप में या सजेशन के रूप में ही हेड बेटर और हेड रेडर का प्रयोग किया जाता है, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट मैं आपको यह भी बता दूं कि दूसरा पॉइंट यह है कि इसका जो प्रयोग होना है वह या तो आप प्रेजेंट टेंस में अथवा आप इसको फ्यूचर टेंस में ही करेंगे। दूसरा जो पास्ट टेंस बच रहा है, अर्थात पास्ट टेंस में इसका प्रयोग नहीं करेंगे। देखने में ऐसे लग रहा है जैसे हेड बेटर आया है और हेड रेडर आए हैं तो ये कहीं पास्ट टेंस में तो नहीं लगेगा, लेकिन देखिए हेड के आने पर आप कंफ्यूज मत हो, सचमुच में हेड भले ही है परंतु इसका प्रयोग या तो प्रेजेंट टेंस में होता है और या तो फ्यूचर टेंस में होता है। तो दो बात तो मैंने आपको बता दिया, पहली बात कि इन सहायक क्रियाओं के द्वारा आप किसी ना किसी को आप एक तरह से एडवाइस करते हैं, सजेशन करते हैं, अर्थात किसी ना किसी को सलाह या सुझाव देते हैं, और दूसरी बात इसका प्रयोग या तो प्रेजेंट टेंस में होता है या तो फ्यूचर में, हम इसका प्रयोग पास्ट टेंस में कतई नहीं करेंगे। तो ये दो बात क्लियर हो गई। अब आइए उदाहरणों को देखते हैं। एग्जांपल्स में सबसे पहले हेड बेटर के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, हेड बेटर माने भी अच्छा होता, और यहाँ जो हेड रेदर इसके माने भी देखिए लिखा है अच्छा होता, बस दोनों में थोड़ा सा माइन्यूट अंतर है। और क्या अंतर? जैसे हेड बेटर अच्छा होता और यहाँ लिखा है हेड रेदर का मतलब की अपेक्षा अच्छा होता, यानी यहां पर देखिए तुलना किया जा रहा है। यहाँ आपका अच्छा होता ये जो है हेड बेटर सिंगल रूप में आ रहा है, जबकि यहाँ की अपेक्षा अच्छा होता। तो ऐसे भी क्लियर कर सकते हैं, अच्छा होता तो हेड बेटर लगा सकते हैं, की अपेक्षा अच्छा होता तो आप हेड रेदर लगाएंगे। यानी इसमें दो लोगों की बात आ रही, दो चीजों की बात हो रही जिसमें तुलना किया जा रहा। हालांकि तुलना तो इसमें भी है, लेकिन इसमें जो तुलना करने वाली दूसरी लाइन है उसको गौर कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर दूसरी लाइन को प्रकट कर दिया गया है। अब देखिए उदाहरण को, इसमें आपका पहला उदाहरण है कि जैसे तुम्हारे लिए वहां ठहरना अच्छा होता, या तुम्हारे लिए वहां ठहरना अच्छा होगा या अच्छा रहेगा, ऐसा भी आप कह सकते हैं, अच्छा रहेगा ऐसा भी लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा यू हैड बेटर स्टे देयर, यू हैड बेटर, You had better stay there, तो इसका अर्थ हो रहा कि तुम्हारे लिए वहां ठहरना अच्छा होता या अच्छा होगा या अच्छा रहेगा।
तो ये एक तरह से जबरदस्त सलाह है, आप ये कह सकते हैं। दूसरी बात, तुम्हारे लिए तूफान गुजरने तक यहाँ ठहरना अच्छा होता, या यहाँ ठहरना अच्छा होगा, या यहाँ ठहरना अच्छा रहेगा। तो यू हैड बेटर स्टे हियर अंटिल द स्टॉर्म पॉजेस, यानी यू हैड बेटर स्टे हियर, तुम्हारे लिए यहाँ ठहरना अच्छा होगा अंटिल द स्टॉर्म पॉजेस। अंटिल द स्टॉर्म पॉजेस माने जब तक तूफान समाप्त नहीं हो जाता है तब तक तुमको यहीं रुकना चाहिए, ये एक तरह से सलाह दिया जा रहा है, तो तुम्हारे लिए यहाँ ठहरना अच्छा होता। तो ये था आपका हैड बेटर के बारे में। अब आप देखिए हैड रेदर के बारे में। अब इसमें पहला उदाहरण है कि उसके लिए काम करने की अपेक्षा खेलना अच्छा होता, या उसके लिए काम करने की अपेक्षा खेलना अच्छा होगा, या खेलना अच्छा रहेगा। तो ऐसी स्थिति में ही हैड रेदर प्ले देन वर्क लिखेंगे, यानी कि ही हैड रेदर प्ले, यानी उसके लिए खेलना अच्छा होगा, देन वर्क यानी काम करने की अपेक्षा खेलना अच्छा होगा या खेलना अच्छा होता, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर आगे कहा जा रहा है, एक चीज और समझना है, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें लिखा जैसे होता, तो लोग सोचेंगे कि जैसे अक्सर कंडीशनल सेंटेंस में एक सवाल आता है कि अगर मैं पक्षी होता, तो लोग सोचते हैं कि ये कहीं पास्ट टेंस तो नहीं है। ऐसा नहीं है, होता वो पास्ट टेंस की कल्पना है, परंतु यहाँ ये कहा जा रहा है तुम्हारे लिए खेलना अच्छा होता, यानी वर्तमान काल में अगर कोई घटना है, कोई घटनाक्रम है, उसकी चर्चा कर रहे हैं कि तुम्हारे लिए जो है यहाँ पर काम करने के पीछे खेलना अच्छा होता, अर्थात अच्छा रहेगा कि तुम खेलो, ये बात है। अभी सलाह दिया जा रहा, अभी वो काम हुआ नहीं है, इस तरीके से है, तो ये नहीं है कि इसको पास्ट टेंस समझ लिया जाए। दूसरी बात यह है कि उसके लिए काम करने के पीछे खेलना अच्छा होता, ही हैड रादर प्ले देन वर्क। इसी प्रकार तुम्हारे लिए देर रात तक जगने के पीछे सोना अच्छा होता, तो यू हैड रेदर स्लीप देन वेक लेट एट नाइट। तो इस तरीके से आपने देखा कि हैड बेटर और हैड रेदर, ये दोनों का मूल मतलब है एडवाइस, और अथवा आप कह सकते हैं सजेशन, यानी कि जिसको आप सलाह या सुझाव कर सकते हैं। और दूसरी बात है, इनका प्रयोग प्रेजेंट टेंस अथवा फ्यूचर में होता है, भले ही ये देखने में आपका पास्ट टेंस लग रहा हो, हैड आया हो, परंतु पास्ट टेंस में इसका प्रयोग कतई नहीं होता है। तो इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, और अंत में मैं यही कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर टू अदर्स एज वेल। आपने इसे देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।